पचमढ़ी में सेना शिक्षा कोर में शहीद दीपक स्मारक गेट पर देर रात एक बड़ी वारदात हो गई। दो अज्ञात बदमाश आर्मी अफसर बनकर पहुंचे और ड्यूटी पर तैनात सैनिकों की दो इंसास राइफल और राउंड चोरी करके भाग गए। इस वारदात के बाद पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत रेल SP भोपाल जबलपुर सहित सेंट्रल कंट्रोल रूम को सूचित कर दिया गया है। आसपास के जिले की पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। दो संदिग्ध आर्मी अफसर बनकर पिपरिया से टैक्सी लेकर पचमढ़ी आर्मी कैंप पहुंचे थे। इंसास राइफल और राउंड लेकर ये दोनों वापस पिपरिया रेलवे स्टेशन तक आए। जिस टैक्सी से ये पचमढ़ी गए थे उस टैक्सी के ड्राइवर से पूछताछ चल रही है। काले ट्रैक सूट पहने और कैप लगाए संदिग्ध ने आर्मी कैंप के संतरी को आर्मी अफसर बताकर प्रवेश किया। इसके बाद वहां रखी दो इंसास राइफल और राउंड लेकर वापस कार से पिपरिया के लिए निकल गए थे। ये मामला उजागर होने के बाद से हड़कंप मच गया है। जिले भर में नाकेबंदी कर दी गई है। बदमाश इंसास राइफल के साथ कई राउंड गोलियां भी ले गए हैं जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पचमढ़ी में सूचना मिली है, वहाँ आर्मी एजुकेशन सेंटर है और उसकी करीब का कंपनी है। उस कंपनी की दो इंसास राइफल और 20 जिंदा राउंड, दो व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति वो आए हैं और मिलिट्री अफसर अपने आप को बताते हुए और वो संतरी को धोखा देकर के राइफल ले गए। टैक्सी ड्राइवर के अनुसार यह दोनों लोग पंजाबी में बात कर रहे थे। जिनके पास जाते वक्त तो बंदूक जैसी कोई चीज नहीं थी, परंतु लौटते समय क्रिकेट बैग रखने वाला बैग जरूर कंधे पर टंगे थे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।